साइकिल पर जारी समाजवादी झगड़े का आज हो सकता है अंत, चुनाव आयोग सुना सकता है फैसला, चिन फ्रीज होने की आशंका। झगड़े के बीच शिवपाल यादव ने उत्तराखंड में 26 उम्मीदवारों की जारी की लिस्ट, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किया फैसला। यूपी उत्तराखंड के लिए आज जारी हो सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट, देर तक हुई सेंट्रल कमेटी की बैठक में नामों पर लगी मोहर। आज उत्तराखंड के ऋषिकेश जाएंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, चुनाव प्रचार का करेंगे आगाज। राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस शामिल होना चाहते थे नवजोत सिंह सिद्धू, आज कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर बड़े तेल के दाम, पेट्रोल 42 पैसे और डीजल 1 रुपए लीटर महंगा, आधी रात से कीमतें लागू। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में भगदड़, 6 लोगों की मौत और कई गंभीर रूप से घायल, मकर संक्रांति के मेले में जुटी थी हजारों की भीड़। हादसे के शिकार परिवारों को पश्चिम बंगाल सरकार ने दिए 5-5 लाख, लेकिन भगदड़ मानने से इनकार, कहा स्वाभाविक मौत हुई, केंद्र ने भी दी 2-2 लाख की मदद। अमृतसर लोकसभा सीट उपचुनाव में आपने उपकार सिंह संधू को मैदान में उतारा, अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने से खाली हुई थी सीट। रोज वैली और शारदा घोटाले केस में टीएमसी सांसद कुणाल घोष से सीबीआई की पूछताछ, टीएमसी ने बताया सरकार की साजिश। पश्चिम बंगाल बीजेपी उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजुमदार को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया, मजुमदार पर फर्जीवाड़े का आरोप। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की बीएमडब्ल्यू कार हादसे का शिकार, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 4 नई टीमों का होगा गठन, 4,000 से ज्यादा जवानों को मिलेगी नौकरी। सरकार की सख्ती के आगे अलगाववादियों के हौसले पस्त, प्रत्येक शुक्रवार को हड़ताल के आह्वान से पीछे हटे। कांग्रेस नेता बयान, जलियांवाला बाग की 100वीं बरसी अंग्रेजों के लिए माफी मांगने का अच्छा मौका। आगरा की बाह सीट से एसपी विधायक महेंद्र अरिदमन सिंह ने थामा बीजेपी का दामन, पत्नी के संग हुए शामिल। यूपी के फैजाबाद में एसपी कार्यकर्ताओं ने किया हवन, समाजवादी झगड़े के अंत की कामना की। पंजाब के पटियाला की स्नोर विधानसभा सीट पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, हरमीत सिंह पठान माजरा को टिकट देने का विरोध। पश्चिम बंगाल के मालदा में समसी कॉलेज के छात्रों पर लाठीचार्ज, विरोध में छात्रों ने किया हाईवे जाम। सोशल मीडिया पर उजागर हो रही जवानों की शिकायत पर थल सेना प्रमुख से बात करेंगे रक्षा मंत्री परेकर, सेना से रिपोर्ट तैयार करने को कहा। बीएसएफ में खराब खाने की शिकायत करने वाले जवान तेज बहादुर यादव के गांव में आज फिर होगी महापंचायत, परिवार ने की है सीबीआई जांच की मांग। लांस नायक यज्ञ प्रताप सिंह की पत्नी ऋचा सिंह ने किया दावा, पति को फतेहगढ़ के घर में किया गया नजरबंद, 4 दिन से भूख हड़ताल पर है पत्नी। थल सेना अध्यक्ष ने सोशल मीडिया में जवानों की शिकायत थी वीडियो को बताया गलत, बोले ऐसी हरकतों को सेना से गिरता है मनोबल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 3 हिजबुल आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में लश्कर का एक आतंकी जिंदा गिरफ्तार, सोपोर पुलिस ने किया गिरफ्तार। मार्च अप्रैल के महीने में एमसीडी चुनावों का रास्ता साफ, उपराज्यपाल ने सरकार को भेजी वार्ड परिसीमन की फाइल। पुलिस वालों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर उत्तराखंड के डीजीपी ने जारी की गाइडलाइन, शिकायतों के निपटारे के लिए नियम कायदे का पालन कर दिया हवाला। दिल्ली के व्यापारी से लूट के मामले में मुरादाबाद पुलिस ने 2 सिपाहियों को किया निलंबित, मामला दर्ज कर भेजा जेल। दिल्ली के हरिनगर इलाके में कपड़ा शोरूम में 25 लाख की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली के सागरपुर इलाके में पिता की घिनौनी करतूत, अपने ही बेटी के साथ किया दुष्कर्म, गर्भवती होने की वारदात का खुलासा। यूपी के गाजियाबाद में अवैध शराब के अड्डे पर पुलिस और आबकारी विभाग की छापेमारी में 4,000 लीटर शराब जब्त। यूपी के आजमगढ़ में 1,01,000 की विदेशी करेंसी बरामद, एक युवक हिरासत में। यूपी के हाथरस में गांव के ही 2 लोगों ने महिला को जिंदा जलाया, महिला गंभीर हालत में अलीगढ़ रेफर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाइक सवार बदमाशों का आतंक, 2 दिन में लूट की 4 वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 आरोपियों के पास से 11 रिवॉल्वर और 6 कारतूस बरामद। हरियाणा के बल्लभगढ़ में शादी के नाम पर धोखाधड़ी, उज्ज्वल नाम की संस्था ने 31 युवकों को लगाया 40,000 का चूना।
राजस्थान के दौसा में प्रेमी जोड़े ने कुएं में कूद कर दी जान, एक ही गांव के रहने वाले थे युवक युवती। कर्नाटक के तुमकुर में खाकी वर्दी की हैवानियत, सब इंस्पेक्टर ने दिव्यांग महिला के साथ किया बलात्कार। यूपी के आजमगढ़ में वाहन चेकिंग के दौरान 2,02,000 रुपए बरामद, हिरासत में एक युवक। यूपी के हरदोई में महिला ने थाने में की खुदकुशी की कोशिश, प्रेमी से झगड़े के बाद थाने में लाई गई थी महिला। बिहार के मुजफ्फरपुर में 6 नक्सली गिरफ्तार, 21 कारतूस, 6 डिटोनेटर और दस्तावेज बरामद। पश्चिम बंगाल के मालदा में रेलवे ट्रैक के पास से आदिवासी महिला का शव बरामद, महिला की शिनाख्त नहीं। हैदराबाद में फर्नीचर के गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने पाया काबू। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गिरफ्त में मासूमों को निशाना बनाने वाला सीरियल रेपिस्ट 8 साल से 10 साल की बच्चियों ने थी निशाना। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने 38 साल के सुनील रस्तोगी नाम के शख्स को दबोचा। सुनील ने 13 साल में करीब 700 मासूमों को से दरिंदगी की बात कबूली। केरल के मल्लापुरम में 50 लाख के नए नोट बरामद, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। अलवर पुलिस ने 4 कुख्यात बदमाशों को दबोचा, सभी हत्या, लूट और डकैती जैसे अपराधों के गुनहगार। जमशेदपुर में परंपरा के नाम पर दिखी बर्बरता, आदिवासी समाज ने करीब 50 बच्चों को लोहे की गर्म छड़ से दागा। चुरू में गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार, एक नाबालिग को अगवा कर वारदात को अंजाम दिया। भरतपुर में कुएं से मिला 3 दिन से लापता युवक का शव, मंदिर जाते वक्त हुआ था लापता। अमृतसर में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। झारखंड के कुड्डा में दवा कारोबारी की चाकू से गोदकर हत्या, पुलिस अब तक हाथ खाली। यूपी के सहारनपुर में बुजुर्ग महिला से झपटमार ने लूटी चेन, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पश्चिम बंगाल के नादिया में भयंकर सड़क हादसा, 8 लोगों की मौत, ट्रक और लॉरी में हुई थी सीधी भिड़ंत। झारखंड के सिंहभूम में नक्सलियों का उत्पात, घात लगाकर के हमले में 2 लोगों का कत्ल। बिहार के मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में महिला को चौकी से बांधकर जिंदा जलाने की वारदात, आरोपी महिला का पड़ोसी। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रकों को लूटने वाले गिरोह पर पुलिस ने की नकेल, 2 गिरफ्तार, पुलिस ने लूट का ट्रक किया बरामद। उत्तर प्रदेश के हरदोई में 3 नरमुंड मिलने से खलबली, सड़क निर्माण के वक्त मामले का हुआ खुलासा। पंजाब के अमृतसर में मुख्य मार्ग पर चाइनीज मांझे की चपेट में आया युवक, गला कटने से हुई मौत। झारखंड के मधुपुर में 5 साल की लड़की को जिंदा जलाने की खौफनाक वारदात, छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। हाजीपुर के अंबेडकर छात्रावास में दलित छात्रा की मौत की जांच करने पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सुषमा साहू, छात्रावास की हालत देखकर भड़की। हरियाणा के गोहना में छात्र के साथ बलात्कार और हत्या का आरोपी विक्रम गिरफ्तार, पुलिस ने रखा था 50,000 का इनाम। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद आंध्र प्रदेश में जलीकट्टू के दौरान सांडों की दौड़ में खतरों से खेले लोग, सीएम चंद्रबाबू नायडू ने गृह जनपद में दिखा हैरान करने वाला नजारा। जम्मू कश्मीर में फिर जोरदार बर्फबारी, बारिश और मूसलाधार बारिश की शक्ल में बरसी बर्फ, बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर हाईवे ठप। बर्फबारी में श्रीनगर का चप्पा चप्पा हुआ सर्द सफेद, पेड़ पौधों पर नजर आए बर्फीले फूल। बर्फ ओढ़े फर्राटा भरती नजर आई गाड़ियां, बर्फ की मोटी परत से ढक गया शहर का कोना कोना। शिमला में भी आज जमकर हुई बर्फबारी, घरों की छत पर दिखी बर्फ की मोटी चादर, सैलानियों ने की जमकर मौज मस्ती। हिमाचल की मंडी में भी हुई जबरदस्त बर्फबारी, हर तरफ बिछी सफेदी, कड़ाके की बड़ी सर्दी। आर्थिक मामलों के सचिव शशिकांत दास ने ऑनलाइन कंपनी अमेजॉन को दी चेतावनी, भारतीय सिंबल्स और आइकन्स को लेकर लापरवाही बर्दाश्त। वित्त मंत्री अरुण जेटली कॉरपोरेट सेक्टर को बजट में दे सकते हैं सौगात, ग्लोबल रिसर्च फर्म डेलॉय के मुताबिक कॉरपोरेट टैक्स में कर सकते हैं कटौती। टीसीएस सर्विसेज के मुखिया रहे एन चंद्रशेखर ने कि टाटा सन्स का चेयरमैन बनने के बाद कंपनी के भविष्य पर आशंका कम हो सकता है, निवेशकों का भरोसा। पेट्रोल पंप पर कार्ड से पेमेंट करने में 3 दिन में मिलेगा कैशबैक, सरकार ने बैंकों को दिए निर्देश। नोटबंदी के बाद घाटे में प्रॉपर्टी बाजार, अब बिल्डरों को व्हाइट मनी वाले ग्राहकों का इंतजार।
बुढ़े वनडे में टीम इंडिया का रिकॉर्ड, जीत इंग्लैंड को 3 विकेट से हराया। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर टीम इंडिया को दी बधाई, लिखा बहुत खूब टीम इंडिया, ये 90 वर्ष की बेहतरीन शुरुआत। वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट कर इंग्लैंड टीम पर कसा तंज, लिखा 10 गुना लगान वसूल। स्पिनर हरभजन सिंह ने फिल्मी डायलॉग के जरिए जाहिर की खुशी, लिखा रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है विराट कोहली। अमित शाह, राजवर्धन राठौड़ से लेकर लता मंगेशकर तक ने टीम इंडिया को दी जीत की बधाई। केदार यादव बने मैन ऑफ द मैच, 76 गेंदों में बनाए 120 रन। कप्तान कोहली ने भी मचाया धमाल, 105 गेंदों में बनाए शानदार 122 रन, वनडे में 27वां शतक। धोनी की मौजूदगी में पहली बार वनडे की कप्तानी कर रहे थे विराट, 122 रन की पारी में जड़े दमदार 5 छक्के। हार्दिक पांड्या ने बनाए 40 नाबाद रन, गेंद से भी छटके 2 विकेट। इंग्लैंड की ओर से 3 बल्लेबाजों ने बनाया अर्धशतक, जो रूट के सर्वाधिक 78 रन। शुक्रवार को बिग बॉस के घर में दस्तक देंगी सनी लियोनी, सलमान शाहरुख के साथ फिल्म रईस के लैला गाने पर लगाएंगी टूंगी। क्वांटिको की शूटिंग में घायल हुई प्रियंका चोपड़ा ने ट्वीट कर फैंस को बताई अपनी तबियत की जानकारी, दुआओं के लिए कहा शुक्रिया। तेलुगु फिल्म टेम्पर के हिंदी रीमेक के साथ काम करेंगे रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह, साल के आखिर में शुरू होगी शूटिंग। निर्देशक इम्तियाज अली लेकर आ रहे हैं इंडो जापानी फिल्म, जापानी एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ मिलकर बनाएंगे लव इन टोक्यो। अपनी फिल्म कुंग फू योगा के प्रमोशन के लिए अगले हफ्ते भारत आएंगे जैकी चैन, अभिनेता सोनू सूद करेंगे स्वागत। आतंकी मसूद अजहर पर भारत के रुख का फ्रांस ने किया समर्थन, कहा मसूद अजहर को आतंकी घोषित करे संयुक्त राष्ट्र। आज से डावोस में शुरू होगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 147वीं मीट, 100 से ज्यादा देशों के 3000 प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा, नोटबंदी के फैसले पर होगी चर्चा। सीआईए प्रमुख जॉन ब्रेनन ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप को दी चेतावनी, कहा ट्रंप को अपनी जुबान को लगाना होगा लगाम। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करेगी 18 डेमोक्रेटिक सांसद, चुनावों में रूस का दखल सामने आने का विरोध। मध्य पूर्व में अपना दबदबा बढ़ाने में जुटा रूस, सीरिया में एयरफोर्स और नेवी बेस करेगा अपग्रेड। टर्की एयरलाइंस का कार्गो विमान किर्गिस्तान के रिहायशी इलाके में गिरा, 32 लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति लेडी लिबर्टी पर पहली बार अश्वेत महिला का फोटो, यूनाइटेड स्टेट्स मिंट ने $100 के नए सिक्के पर लगाई फोटो। अमेरिका के ओक्लाहामा में बर्फीले तूफान की वजह से हाईवे पर हादसा, बेकाबू होकर पलटा ट्रक, ड्राइवर की मौत। कैलिफोर्निया में कई फीट मोटी बर्फ से ढकी सियारा पर्वत की चोटियां, स्कीइंग के लिए जुटे सैलानी।